जय हिंद। ZS स्विच एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल डिवाइस है और इसे जीरो स्पीड स्विच या फिर जीरो स्पीड सेंसर कहा जाता है। और आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि ZS स्विच को क्यों और कहां पर यूज किया जाता है। सेकंड में कन्वेयर को ट्रिप ZS के NO या फिर NC से किया जाता है। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि ZS सेंसर को टेल पुली या फिर टेकअप पुली में ही क्यों यूज किया जाता है। और फोर्थ में जानेंगे ZS स्विच का पावर और कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहे, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि ZS स्विच को क्यों और कहां पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ZS स्विच एक स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कन्वेयर को सेंसर की सहायता से पल्स काउंट करता है और पल्स काउंट करने के बाद वो ZS कंट्रोलर को कमांड देता है कि कन्वेयर हेल्दी है या फिर उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी सहायता से यदि कन्वेयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो कन्वेयर को ट्रिप कर देता है। तो चलते हैं फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ कि कन्वेयर को ट्रिप ZS के NO या फिर NC से किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग जानेंगे, इसके कंट्रोल वायरिंग में अच्छी तरह समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में था कि ZS स्विच को कन्वेयर के टेल पुली या टेकअप पुली में ही क्यों यूज किया जाता है और इसे हेड पुली में क्यों यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों, हेड पुली में इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि हेड पुली के साथ में अटैच होता है मोटर, और यदि कन्वेयर बेल्ट टूटता है या फिर फटता है या फिर वो स्लिप होता है तो ऐसे कंडीशन में हेड पुली का रोटेशन बंद नहीं होता है, यानी कि जब वो मूवमेंट कर रहा है यानी कि घूम रहा है वो, तो वो घूमना बंद नहीं होता है क्योंकि उसके साथ में मोटर ऑलरेडी अटैच रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो कन्वेयर है वो ट्रिप नहीं हो सकता यदि कन्वेयर में फॉल्ट आता है। तो वो किसी भी कारण से यदि कन्वेयर रुकता है वहाँ पर तो ZS ना तो अलार्म देगा और ना ही कन्वेयर को ट्रिप कर देगा, क्योंकि ZS के हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा है यानी कि हेड पुली का मूवमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से वो कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है। इसीलिए ZS सेंसर को टेकअप पुली या फिर टेल पुली में लगाया जाता है जो कि फ्री मूवमेंट होता है, यानी कि उसके साथ में कोई मोटर अटैच नहीं होता है, यानी कि जब मोटर रन होगा यानी कि कन्वेयर जब बेल्ट रनिंग करेगा साथ में तब जाके टेकअप पुली या फिर टेल पुली साथ में घूमता है। इसी कारण उसका सेंसर इसके साथ में अटैच किया जाता है कि हमें रियल टाइम फॉल्ट का मालूम चले। तो सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट, और इसमें हम लोग जानेंगे कि ZS का पावर वायरिंग या फिर कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है किसी भी कन्वेयर के साथ। तो चलिए फिर इसका वायरिंग समझते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ZS के कंट्रोल सर्किट के ऊपर, और यहाँ पर है ITD, RPM और NTD। ITD इनिशियल टाइम डिले, रेगुलेशन पर मिनट, और न्यूसेंस टाइम डिले, न्यूसेंस ट्रिपिंग टाइम डिले भी कहा जाता है। और यहाँ पर 1 से लेके 14 तक के ये टर्मिनल है, जिसमें 1 से 3 तक आपका ये पावर के लिए है, और जिसमें 1 और 2 110 वोल्टेज के लिए और 1 3 230 वोल्टेज के लिए। किसी भी कंपनी का ZS हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1-2 में कितने वोल्टेज देना है और 1-3 में कितने वोल्टेज का सप्लाई देना है। यहाँ पर 2 NO और 2 NC टर्मिनल दिए हुए हैं, 4 और 5 NO है, और यहाँ पर 8 और 9 NO है, 6 7 और 10 11 ये दो हमारे NC पॉइंट है, ज़रूरत के हिसाब से इसका हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर है प्रोब के लिए, यानी कि जो सेंसर है 12, 13 और 14 इसके साथ में सेंसर कनेक्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेंसर के ऊपर। तो सेंसर में 3 वायर या फिर 2 वायर होगा आपके पास। तो यहाँ पर हम जो बात करें वो 3 वायर का है। यहाँ पर ROG, रेड, ऑरेंज और ये ग्रीन 3 वायर होता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है कि सेंसर को 2 वायरों से सप्लाई दिया जाता है और 1 वायर से इस सेंसर से पल्स काउंट करके इस कंट्रोल को कमांड देता है। अब यहाँ पर सेंसर पे आते हैं, तो सेंसर में क्या होता है, यहाँ पर सेंसर में एक LED होगा लाइट और दूसरा होगा एक प्रीसेट। प्रीसेट क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप यानी कि पोटेंशियोमीटर होता है इसके अंदर लगा हुआ, वो किसके लिए होता है क्योंकि इसका जो रेंज है 8 से लेके 35 mm के बीच के दूरी पर रखना है। कहाँ पर? टेकअप पुली और टेल पुली के जो इसमें मेटल पीसेज लगे होते हैं उसके उस मेटल पीस से इतने दूरी तक सेंस कर सकता है।
तो हमें इसमें क्या करना है कि यदि जब हम सेंसर लगा रहे हैं और वहाँ पर यदि रेंज ज़्यादा दूरी हुई या फिर कम है, तो उस पल्स को सेट करने के लिए प्रीसेट को टेस्टर से आप घुमाएंगे तो ये नॉर्मली सेट हो जाता है। ये एलईडी जो है पल्स को काउंट करता है, पल्स काउंट करके ये ZSS कंट्रोल को सिग्नल देता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसका कनेक्शन। यहाँ पर लाइन वायर आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से न्यूट्रल है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ओवरलोड लगा हुआ है, ओवरलोड रिले से एनसी पॉइंट से आया है। उसके बाद स्टॉप पुश बटन यानी कि एनसी पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट पुश बटन यानी कि एनओ है, और ये C1 जो कॉन्टेक्टर जो है, जो मोटर का कॉन्टेक्टर है यहाँ पर लगा हुआ है, उससे इसे होल्डिंग दिया गया है। ये दोनों वायर से अब यहाँ से कर देंगे, और एक्चुअली होल्डिंग दिया जाता है कॉन्टेक्टर से, यहाँ जस्ट सिंबल दिया हुआ है। और यदि होल्डिंग नहीं आता आप तब प्ले लिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल कंट्रोल से उस प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि होल्डिंग कैसे दिया जाता है। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि ये वायर सीधा आ जाएगा आपको, इसमें 230 वोल्ट का सप्लाई दिया हमने, और ये वायर सीधा चला जाएगा एक नंबर पे, और दूसरा वायर चला जाएगा यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट इस कॉन्टेक्टर को, ठीक है। अब इसी न्यूट्रल से हमने एक 3 नंबर पर दे दिया है जो कि इस ZSS का पावर सप्लाई कंप्लीट हो जाता है। 1 और 3 पर हम 230 वोल्ट का सप्लाई दिया है। अब हमने 2 नंबर को खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसी वायर को, चूँकि ये कंट्रोल सर्किट से आ रहा है, इसी वायर से हम क्या करेंगे कि एक 6 नंबर और एक 7 नंबर, 6 नंबर से ये जा रहा है और 7 नंबर से ये आउटपुट यहाँ पर आ जा रहा है, ये कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करेगा यानी कि एक्टिव करेगा। ये अब कैसे एक्टिव करता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये ITD है, 1 से लेकर 20 सेकंड इसका रेंज है। ITD सेट किया जाता है जब हमारा कन्वेयर बंद होता है, उस समय क्या होता है कि जो टेकअप पुली या टेल पुली का जो स्पीड है वो 0 होता है। तो एक लिमिट के हिसाब से यानी कि 4 से 5 सेकंड तक वो अपनी फुल स्पीड में कन्वेयर अपना आ जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ से सेट करते हैं कि 4 या 5 या 6 सेकंड तक सेट कर देंगे। तो 6 सेकंड तक ये क्या करेगा कि जो हमारा 6 और 7 से जो ANC पॉइंट्स हमारा जो सप्लाई आ रहा है आउटपुट, वो डायरेक्ट यहाँ से बाईपास करता रहेगा। यानी कि कन्वेयर 6 सेकंड तक चले या फिर ना चले, तब भी ये यहाँ से 6-7 से हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज रहेगा। न्यूसेंस टाइम डिले क्या है यहाँ पर? अब न्यूसेंस टाइम डिले में जैसे मान लीजिए हमारा कन्वेयर स्टार्ट है, कभी बाई चांस कुछ सेकेंड के लिए यदि स्पीड स्लो हो जाता है या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कुछ सेकेंड के लिए, तब भी ये उस समय 6-7 से बाईपास करता रहता है। ये एक नॉर्मली 4 से 5 सेकंड इसे भी सेट किया जाता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तब ये नॉर्मल फिर आ जाता है, तो हमारा कन्वेयर बंद नहीं हो। तो उसके लिए NTD सेट करते हैं और स्टार्टिंग के लिए ITD सेट करते हैं। अब इसके पावर वायरिंग जो है यहाँ नॉर्मल बहुत सिंपल है। RYB हमने दिया है यहाँ पर सप्लाई, उसके बाद MPCB लगा हुआ है, MPCB के बाद में यहाँ पर कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर के बाद ओवरलोड लगा हुआ है, और ओवरलोड के बाद ये मोटर, यानी कि सारे पैरेलल में कनेक्शन है। और ये पावर वायरिंग है, ये जस्ट कंट्रोल, मेन समझना आपको होता है कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग तो सभी मोटरों का सेम ही होता है। तो यहाँ पर NONC से, जैसे यहाँ पर हम लोग ने NC से सप्लाई लिया, तो ये मैनुअली हम लोग इसको ट्रिपिंग करें, इस कन्वेयर को मैनुअली ट्रिपिंग कर रहे हैं डायरेक्ट ZSS से। यदि हमें PLC से कनेक्ट होगा तो हम उसे वहाँ पर NO का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और NC का भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कैसे सप्लाई डिमांड है वहाँ पर, ठीक है। बहुत जगह होता है कि सप्लाई जैसे ही वहाँ पर आता है PLC के अंदर, वो वैसे ही वहाँ पर फंक्शन करता है। किसी किसी में है कि जैसे ही सप्लाई कट होता है वैसे ही फंक्शन करता है। तो डिपेंड करता है उसके प्रोग्रामिंग पर कि वो वहाँ पर NO का डिमांड है या फिर NC का डिमांड है। कन्वेयर में जो हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं जनरली हम लोग कॉन्टेक्टर से ही करते हैं, और कॉन्टेक्टर जैसे ही इस कन्वेयर को बंद होगा पीछे वाला कन्वेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरलॉकिंग आगे वाले कन्वेयर से होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।